तो ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना था कि आपके डिवाइस में एंड्रॉयड 12 किस तरह से चल पाएगा। और अगर आपको वो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर सब कुछ कवर किया था कि आपके डिवाइस के अंदर कौन से बग्स हैं या फिर आप इसे डेली ड्राइवर्स के लिए यूज कर पाओगे या फिर नहीं, ये सब कुछ आपके ऊपर था। मैंने सिर्फ आपको रिव्यू दिया था। हालांकि मेरे हिसाब से वो ऑक्टेवी OS का जो अपडेट था वो काफी अच्छा था। अभी ये आपके ऊपर है कि आप लोग वाकई में इसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। और आज का वीडियो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोग अपने डिवाइस में उसे कैसे इंस्टॉल करोगे, वो भी काफी अच्छे तरीके से। आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अगर कोई भी दिक्कत आपको देखने को मिलती है तो आप सिंपली मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो अभी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल वाले आइकन को भी दबा लेना ताकि आप लोग मेरी लेटेस्ट वीडियोस को देख पाओ। तो ठीक है, मैंने लगभग आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट चीजें बताना बाकी है। जैसे कि अभी मैं जो डिवाइस को यूज कर रहा हूँ इसका लास्ट अपडेट था, इसके अलावा MIUI की तरफ से कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। नाउ बात करें मेरे पास कौन सा मॉडल है, तो मैं 16GB वाला यूज कर रहा हूँ मॉडल, और यहाँ पर मुझे 2GB की रैम देखने को मिलती है। और आपको पता है ये काफी छोटा डिवाइस है, काफी पुराना डिवाइस है, और यहाँ पर इसे यूज करने में काफी दिक्कत होती है। तो सिंपल सी बात है कि पुराने अपडेट हैं, आपका जो MIUI वर्जन है वो इस डिवाइस के लिए काफी हैवी है, तो यहाँ पे आपका जो डिवाइस है वो काफी लैग करेगा और मेरा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा करता है। अभी बात करें हम इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो सबसे पहले आपको इन चार फाइलों को डाउनलोड कर देना होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। अगर आपके लिंक के अंदर मतलब कोई भी टाइप की दिक्कत आ रही है लिंक को ओपन करने के लिए तो आप मुझे सिंपली कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और इन सभी फाइल्स को डाउनलोड करके आपको अपने SD कार्ड के अंदर रख लेना होगा। वो क्यों, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पर फाइल स्टोरेज का काम नहीं है, सारा काम है SD कार्ड का। तो अगर आपके पास SD कार्ड नहीं है तो आपको वहाँ से मार्केट के अंदर लेके आना होगा, बिकॉज SD कार्ड काफी इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ करने के बाद आपको सिंपली अपने डिवाइस को रिबूट कर देना होगा, क्योंकि अब हम अपने डिवाइस के अंदर इसे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। आपको सिंपली अपने डिवाइस के रिकवरी मोड में होगा। और अगर आपने ये सब काम नहीं करके रखा है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको अपने डिवाइस का बूटलोडर अनलॉक करना होगा, उसके बाद आपको अपने डिवाइस के अंदर TWRP या फिर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, कोई भी रिकवरी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज करूंगा क्योंकि ये मेरी काफी फेवरेट है, काफी अच्छी है और इसके अंदर लगभग बहुत कम बग्स होते हैं। बग्स तो सभी चीजों के अंदर होते हैं लेकिन इसके अंदर ज्यादा नहीं है। तो अभी देखो यार, आपको यहाँ पर सिंपली SD कार्ड को सिलेक्ट करना है क्योंकि आपका जो मोबाइल का स्टोरेज है वो यहाँ पर शो नहीं होगा और वो बार बार फॉर्मेट होगा तो आपका जो डाटा है वो खत्म हो सकता है, वाइप हो सकता है, इसलिए मैंने आपको SD कार्ड का रिकमेंडेड किया। अभी जो हमने चार फाइल को डाउनलोड किया था ना वो हमारे सामने है। अभी हमें एक एक करके इन सभी फाइल्स को इंस्टॉल करना होगा और वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊँ की TWRP या कोई भी रिकवरी है वहाँ पर एक वाइप नाम का फोल्डर होगा या फिर ऑप्शन होगा, आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से जा सकते हो। जैसे कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है तो इसके नीचे आपको वाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली वाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर डस्टबिन बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको तीन चार चीजों को सेलेक्ट करना होगा जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको अपने डिवाइस को फॉर्मेट करना होगा, और अगर आप लोग अपने डिवाइस को फॉर्मेट नहीं करोगे तो आपको कुछ इस टाइप की दिक्कत आ सकती है जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जैसे कि मैंने इन सभी को टेक आउट कर लिया है जिसको मुझे फॉर्मेट करना है, मतलब कि कम्प्लीटली वाइप करना है। हालांकि मैंने अपने डिवाइस को फॉर्मेट नहीं किया है जिसके अंदर MIUI वर्जन अभी भी है, तो अगर आप इस तरीके से ये करने की कोशिश करोगे तो आपका जो डिवाइस है यहाँ पर फेल्ड हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ पर यस को टाइप करना है। यस टाइप करने के बाद आप देख सकते हो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी दोबारा से आपको उन सभी टाइप्स को मतलब कि जितने भी ऑप्शन है उन सबको टेक आउट करना है जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया ही। आपको सिंपली अभी इसे वाइप करना है, वाइप अभी कंप्लीट हो जाए
जाएगा बिकॉज हमने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया है। आप देख सकते हो सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, दोबारा से अपने डिवाइस को फॉर्मेट करना है। अभी आप पूछोगे इतनी बार फॉर्मेट क्यों, क्योंकि कभी कभी डाटा रह जाता है और वो कम्प्लीटली फॉर्मेट नहीं होता है। अगर आपका पूरा डाटा कम्प्लीटली फॉर्मेट नहीं होगा तो आपके डिवाइस को काफी नुकसान है और आपका डिवाइस यहाँ पर बूटअप नहीं ले पाएगा। अभी बात करें चार फाइल के अंदर कौन सी फाइल आपको इंस्टॉल करनी होगी, तो आपको यहाँ पर वेंडर करना होगा। सबसे पहले जो कैक्टस का वेंडर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसे इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपका डिवाइस कभी भी बूटअप नहीं लेगा। और मैं जितने भी तरीके आपको यहाँ पर बताऊंगा वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, लेटेस्ट हैं और आपके डिवाइस को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे अगर आप मेरी वीडियो को देखकर इसे इंस्टॉल करोगे तो। हालांकि इसका साइज भी काफी छोटा है, कम से कम 80 या 81 MB का होगा। बस आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद बैक जाना है। अभी आपको यहाँ पर अपनी रोम को इंस्टॉल करना है जो है ऑक्टेवी OS। अभी ये एंड्रॉइड 12 बेस के साथ आती है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और स्वाइप कर देना है। अभी यहाँ पर ये रोम काफी बड़ी है, कम से कम 500 या 600 MB की होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको यहाँ पर काफी टाइम देना होगा, लगभग 2 या 3 मिनट। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी दिक्कत लग रही है या फिर कुछ भी आपको अपने फोन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। और हाँ गाइस, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिलेंगी, तो आप वहीं से डाउनलोड करना तो बहुत अच्छा होगा। कहीं और से करोगे तो इसकी जिम्मेदारी मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा कि अगर आपके डिवाइस को कुछ भी होता है तो। हालांकि मैंने सभी फाइल्स को टेस्ट करके ही आपको प्रोवाइड किया है। नाउ ये इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर बिट एप्स को इंस्टॉल करना होगा। अभी बिट एप्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके बारे में सुना है या फिर नहीं सुना है, इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बिट एप्स काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक वेनिला बिल्ड कस्टम रोम को यूज कर रहे हो। अभी आप सोचोगे वेनिला बिल्ड क्या होता है, तो वेनिला बिल्ड ये होता है कि इस वाली कस्टम रोम के अंदर आपको गूगल प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता है, तो आपको अलग से गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है बिट एप्स हो गया, फ्लेम जी एप्स हो गया। तो मैंने आपको बिट एप्स प्रोवाइड कर दी है, आपको सिंपली इसे इंस्टॉल करना होगा। ये इंस्टॉल करोगे तो आपके डिवाइस के अंदर प्ले स्टोर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। नाउ जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप एक बार इस कस्टम रोम को यूज करके देखो और मुझे बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि मुझे ये काफी अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। सक्सेसफुल होने के बाद आपको सिंपली बैक जाना है और एक आखिरी फाइल रह चुकी है जिसका नाम है मैजिक्स नाम का, और मैजिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चारों में से एक भी फाइल को मिस किया तो आपका डिवाइस यहाँ पर बूटअप नहीं लेगा। हालांकि आप लोग इसे एक साथ ही इंस्टॉल कर सकते थे सभी फाइल्स को, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग करके दिखाया कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। कभी कभी सभी फाइल्स को एक साथ इंस्टॉल करने में दिक्कत हो जाती है और यहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या है यार, तो आप इसे जल्दी से फिक्स नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक एक करके बताऊं कि सभी फाइल्स इसी तरह से इंस्टॉल हो रही हैं, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि लगभग हमने सभी काम कर लिया है, फॉर्मेट कर लिया है, वाइप कर लिया है, कस्टम रोम डाल लिया है, जी एप्स डाल लिए हैं, अभी हमारा जो डिवाइस है वो मैजिक्स को इंस्टॉल कर रहा है और यहाँ पर मैजिक्स का कोई भी वर्जन चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पुराना है, नया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली इसके अंदर मैजिक्स को डालो। लेकिन कोशिश करना कि जो लेटेस्ट वर्जन होगा उससे एक पुराना वर्जन डालो, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल लेटेस्ट डाल दो, ये भी थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, लेटेस्ट से एक वर्जन पीछे वाला डालोगे तो काफी स्टेबल रहेगा, काफी अच्छे से काम करेगा। इसे इंस्टॉल होने में भी लगभग कभी कभी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये डिवाइस की परफॉर्मेंस के ऊपर है कि आपका डिवाइस किस तरह से यूज हो रहा है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर इसकी स्पीड काफी अच्छी है तो ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। बाकी यार ये बूट IMG को पैच करेगा, उसको बंद करेगा, रीपैक करेगा, बहुत अलग चीजें हैं, तो इन कामों में टाइम लगता है। अगर आप इन चीजों को मैनुअल करोगे तो आपको इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। ये तो फिर भी काफी अच्छा है जो ऑटोमेटिक सब कुछ चलता है। अभी सब कुछ होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको क्लिक करना है रिबूट सिस्टम पर। देखो मैंने लगभग आपको सभी काम बता दिया है, सभी चीजें बता दी हैं। अभी आपको क्या करना है, वेट करना है। और अगर आपका डिवाइस यहाँ पर अच्छे से बूटअप ले लेता है तो समझ जाइए कि आपने जितने भी प्रोसेस किए हैं वो सबसे अच्छे हैं, वो काफी अच्छे से आपने फॉलो किया है। अगर आपका डिवाइस यहाँ पर बूटअप नहीं लेता है तो जरूर आपने कुछ मिस किया होगा या फिर आपके डिवाइस के अंदर आपने कुछ ऐसा झोल कर दिया होगा कि आपका डिवाइस बूटअप नहीं ले रहा है। हालांकि इसका जो बूट एनिमेशन है मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए और 2 GB रैम वाले डिवाइस के लिए देखी जाए तो ये काफी अच्छी है। कोई छोटी बात नहीं है कि आपका जो डिवाइस है आज के समय में भी, आज की मतलब 2023 के अंदर भी काफी लोग इसे यूज कर रहे हैं कस्टम रोम डाल के। तो बाकी मैंने इसका रिव्यू आपको दे दिया था कि
किस तरह से चलता है ये, मेरा डिवाइस ऑलरेडी बूटअप ले लिया है और मैंने यहाँ पर सब कुछ सेटअप भी कर लिया है। यहाँ पर आपको कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेंगे, उतनी ही एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी जितनी आपके डिवाइस के लिए जरूरी है। और यहाँ पर हमारे पास प्ले स्टोर भी आ चुका है, अब चाहो तो आप लोग प्ले स्टोर से कोई भी चीजों को डाउनलोड कर सकते हो और एंड्रॉइड 12 के मजे तो अलग ही है। हालांकि यहाँ पर ये एक वेनेला बिल्ड है तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन होगी फालतू की एप्लीकेशन वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी, आप खुद उसे इंस्टॉल कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन डेवलपर की तरफ से यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और हाँ, अगर इस कस्टम रोम के रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप सिंपली मुझे कमेंट कर सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ वापस।